जयपुर पीसीसीएस से आ रही है, जहां पर बीजेपी के अलवर नगर परिषद कार्यकारी सभापति का विरोध का मामला है। कांग्रेसी पार्षद पीसीसी मुख्यालय पहुंचे हैं, हाथ में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के पार्षद। कार्यवाहक सभापति घनश्याम गुर्जर को हटाने की पार्षद मांग कर रहे हैं। पीसीसी दफ्तर के अंदर जाने से रोकने पर नाराज हुए कांग्रेसी पार्षद, बाहर ही धरने पर बैठकर और नारेबाजी की जा रही है। तो जयपुर पीसीसी में कांग्रेस के ही पार्षदों की नो एंट्री से कांग्रेस के पार्षद खफा। अलवर नगर परिषद कार्यकारी सभापति का विरोध का ये मामला है। कांग्रेसी पार्षद पीसीसी मुख्यालय पहुंचे, हाथ में उनके तख्तियां हैं। कार्यवाहक सभापति घनश्याम गुर्जर को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पार्षद पहुंचे, लेकिन पीसीसी दफ्तर के अंदर एंट्री नहीं मिलने पर कांग्रेसी पार्षद नाराज भी हुए हैं और पीसीसी दफ्तर के बाहर ही कांग्रेस पार्षदों द्वारा धरना दिया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिनेश, क्या है पूरा मामला? ये कांग्रेसी विधायक किन कांग्रेसी पार्षद किन शिकायतों को लेकर यहाँ पहुंचे और अब किस बात पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, ये बीजेपी के जो अलवर नगर परिषद के कार्यकारी सभापति है घनश्याम गुर्जर, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्षद। और हटाने की मांग को लेकर अलवर से ये आज राजधानी जयपुर पहुंचे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के आगे पहुंचते हैं और अंदर पार्टी के नेताओं से वो मिलने जाते हैं, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो करीब 19 पार्षद है वो यहाँ पर पहुंचे और उनका कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी के नेता है, तो ऐसे में कांग्रेस नेताओं को अपनी बात रखना चाहते हैं और लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कार्यकारी सभापति, जिससे कांग्रेस पार्टी का वहां पर नाम है, वो खराब हो रहा है, उसको ठेस पहुंच रही है। तो जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो उन्होंने बाहर ही कहना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां भी ले रखी है और पीसीसी के बाहर फिलहाल उनका धरना जारी है। जी दिनेश, यानी अपनी ही पार्टी के लीडर के विरुद्ध ये पार्षद इकट्ठा हुए हैं, सभापति जो है कार्यवाहक सभापति उनके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो ये किस तरीके का एक डिस्प्यूट जो है कांग्रेस पार्टी में अलवर में नजर आ रहा है? जी देखिए, उन्होंने कार्यकारी सभापति जैसा कि मैंने बताया बना रखा है, तो ऐसे में वो कांग्रेस पार्षदों को है उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, उनके वार्डों में काम नहीं कराते, साथ ही जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये उनकी शिकायत है। तो उनको हटाने की मांग को लेकर वो आए थे क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया, ये उनकी नाराजगी है, उनका यहाँ पर दावा है। उसके बाद